आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर कोई ईमानदार नेता नहीं आया। झूठ बोलने वाले लोगों ने एक गठबंधन बना लिया है और वो बिना बात के मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, बिना बात के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चोर को सारे चोर नजर आते हैं। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने 4 साल के अंदर बहुत तगड़ा विकास किया है। जो ये विपक्षी पार्टियां जो इकट्ठी हो रही है, बिल्कुल झूठ है, ये सारी की सारी झूठी पार्टियां हैं। मेरे हिसाब से तो काफी ईमानदार तरीके से मोदी जी ने काम किया है, काफी डेवलपमेंट भी हुआ है। ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट बात अपनी जो कंट्री की इमेज है, बाहर जब जाओ अब लगता है कोई प्राइम मिनिस्टर है। पहले कोई पता ही नहीं चलता था कि प्रधानमंत्री जी कब गए कब नहीं आए। विकास पिछले 60 साल को देखें और उसके मुकाबले 4 साल को देखें तो हमें तो लगता हुआ है। जिस देश को प्रदेश को हम जानते तक नहीं थे, आज हमारे गिन रहे। हम देश को कितना मानते, दिल्ली राजस्थान हरियाणा पंजाब इसको देश मानते थे, सिक्किम असम तमिलनाडु कर्नाटक मेघालय असम ये भी तो हमारे देश के अंदर ही हैं। तो सारा का सारा पूरा विकास हुआ, इतने हाईवे बने, इतने सारा काम हुआ, कहाँ से होगा ये बताइए। नरेंद्र मोदी जी के उसमें तो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है और अगली बार भी नरेंद्र मोदी ही जी आएंगे और आने चाहिए अपने देश के लिए और हम लोगों के लिए। नरेंद्र मोदी से ईमानदार नेता कोई है नहीं और ना होगा। नरेंद्र मोदी ही आएंगे yes. और अगर नहीं आएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। चौकीदार जाग रहा है, चोर जो है उन्हें डर लग रहा है, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। चोर चोर असल चोर भाग रहे हैं, वही चोर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना हमारे देश के लिए सौभाग्य है और हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं।